लॉकडाउन के बावजूद लाहौर में आलूदगी कम ना हो सकी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 रिकॉर्ड किया गया है। केंट पोलो ग्राउंड के इलाके में AQI 317 रिकॉर्ड किया गया। टाउनशिप में एयर क्वालिटी इंडेक्स 297, सैयद मरातब अली रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 258, शिमला पहाड़ी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 267। इसी तरह कराची आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर है। कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 रिकॉर्ड किया गया है। स्मोक की खतरनाक सूरत हाल के पेश नजर निगरान हुकूमत का अहम फैसला। पंजाब भर में एक हफ्ते के लिए फेस मास्क पहनना लाजमी करार दे दिए गए। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हर शहरी को एक हफ्ते के लिए मास्क पहनना होगा। सूबाई हुकूमत ने पंजाब के स्मोक से मुतासरा अजला में तमाम शहरियों के लिए चेहरे के मास्क पहनने के लिए एक हफ्ते के मैंडेट का ऐलान किया। मास्क की पाबंदी लाहौर डिवीजन और गुजरांवाला डिवीजन के अजला में नाफिजुल अमल होगी। पंजाब में 24 घंटों के दौरान मजीद 151 अफराद में डेंगी वायरस की तस्दीक हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक लाहौर में डेंगी के 76, मुल्तान में 18, फैसलाबाद में 11 केसेस रिपोर्ट हुए। इसके अलावा रावलपिंडी और गुजरांवाला में डेंगी के 15-15 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत ने बताया कि शेखुपुरा, साहिवाल, ओकाड़ा, चकवाल, बहावलपुर, विहाड़ी में डेंगी का एक केस रिपोर्ट हुआ है। सेक्रेटरी सेहत का कहना है कि रवा साल पंजाब में डेंगू के 12,796 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सगिया रोड पर वैगन और डंपर के दरमियान तसादुम का वाकया पेश आया। सगिया रोड पर तेज रफ्तार वैगन ने पीछे से डंपर को टक्कर मार दी, जिसकी जद में 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि 13 अफराद जख्मी भी हुए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत पंजाब के अहकाम पर कोंगो वायरस के फैलाव को रोकने के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। लाइफ स्टॉक की टीमें इस मकसद के लिए पूरी तरह मुतहरिक हैं। डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक वजीराबाद मोहम्मद अहमद की मीडिया से गुफ्तगु। कहा सूबा बलोचिस्तान में कोंगो बुखार के मरीजों में इजाफे के पेश नज़र सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक पंजाब ने सूबा भर में कबल अज वक्त इकदाम के अहकाम दिए हैं। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक की हिदायत के मुताबिक सूबा पंजाब के तमाम दाखिली रास्तों पर चेक पोस्ट भी कायम कर दी गई हैं। कांदलियावाला के इलाके में डाकुओं ने घर में घुसकर लूटमार की। मजाहमत करने पर डाकुओं ने वसीम अता को गोली मारकर जख्मी कर दिया। मुतासरा शख्स ने जवां मर्दी का मुजाहरा करते हुए एक डाकू को दबोच लिया। साथ ही डाकू मौके से फरार। थाना मामू कांजन के इलाके में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। 4 मसल्ला डाकुओं ने पंसार की दुकान पर लूटमार की। मजाहमत करने पर डाकुओं ने दुकानदार बाप बेटे को फायरिंग से जख्मी भी कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ अलीना मुजफ्फर। हेडलाइंस आपने मुलायजा की, बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें, आपको बताएं कि निगरान वजीर दाखिला सरफराज अहमद भुट्टी की मौलाना तारिक जमील के घर पर आमद। साहबजादे आसिम जमील की वफात पर ताजियत की, मरहूम के लिए फातह अख्वानी भी की गई। वजीर दाखिला का कहना था कि जवां साल बेटी की मौत पूरे खानदान के लिए बहुत बड़ा दुख और सदमा है। अल्लाह ताला तमाम सोगवारान को ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत और हौसला अता फरमाए।
सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर की खसूसी हिदायत पर रेस्क्यू 1122 सियालकोट की आवाम में हादसात से बचाव के हवाले से शाऊर उजागर करने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार की क्यादत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल ने की। सेमिनार का मकसद अवाम में शाऊर उजागर करना था ताकि हादसात में बढ़ते जानी नुकसान को कम किया जा सके। आखिर में हादसात में जान बहक होने वालों के लिए खसूसी दुआ भी करवाई गई। रावलपिंडी पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 5 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान से 6.5 किलो से ज्यादा चर्स भी बरामद हुई। पुलिस ने मुलजिम अकील आमिर से 2 किलो से ज्यादा चर्स बरामद की। टेक्सिला पुलिस ने मुलजिम तजम्मुल से 1 किलो 620 ग्राम चर्स बरामद की है। CPO सैयद खालिद हमदानी का कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान को ठोस शवाहिद के साथ चलान करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। नौजवान नस्ल की रगों में जहर उतारने वाले कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते हैं। सियालकोट मॉडल थाना की हदूद में डकैती की वारदात सामने आई। डाकुओं ने पॉलिट्री शॉप के मालिक से 1,30,000 रुपए लूट लिए। वारदात की CCTV फुटेज कोहिनूर ने हासिल कर ली है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात के सिलसिले में जिले अमन कमेटी का इजलास मुनाकिद हुआ। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद ने इजलास की सदारत की। जिले अफसरान मजहबी स्कॉलर इलामा मोहिबुल नबी ताहिर समेत मेम्बरान जिले अमन कमेटी ने इजलास में शिरकत की है। जिले अफसरान की सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम के बारे में डिप्टी कमिश्नर ननकाना को तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। इजलास में अमन कमेटी के मेम्बरान ने अपनी अपनी तजावीज पेश की। मुल्क में अमन व अमान की फिजा कायम रखने की यकीन दहानी भी करवाई गई। DC चौधरी अरशद का कहना था कि अमन को फरोग देना हमारा मजहबी और अखलाकी फरीजा है। अमन व अमान की फिजा कायम रखने के लिए तमाम मजाहिब के लोगों को एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर अपना अपना किरदार भी अदा करना होगा। गुजर बरादरी का मंजूर कलोनी में पावर शो। आयन पाकिस्तान पर डाका डालने वालों का घेराव करेंगे। सदर अंजुमन ए गुजरा मोहम्मद इमरान गुजर का जलसे से खिताब भी हुआ। कहा कि बरादरी के बच्चों को तालीम के लिए बरादरी का एक भी स्कूल या इंस्टीट्यूट मौजूद नहीं है। सेहत के हवाले से भी बदकिस्मती से बरादरी की एक डिस्पेंसरी भी मौजूद नहीं। माजी में बरादरी के हर फर्द के लिए सेहत कार्ड जारी करने की कोशिश की गई तो इसमें रुकावटें डाली गई हैं। आगे बढ़े आपको बताएं कि पिंडी खेप के मौजा थिट्ठी सैदू शाह में चोरी की वारदात सामने आई। नामालूम चोर घर में अहले खाना की अदम मौजूदगी का फायदा उठाते हुए हजारों की नकदी और तलाई जेवरात भी ले उड़े। सैदू शाह में मौलाना अकबर अली शाह मरहूम के अहले खाना की अदम मौजूदगी और रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए चोर हजारों की नकदी तलाई जेवरात समेत दीगर कीमती सामान भी ले उड़े। 6 माह कबल इसी जगह पे शौकत अली और नदीम के घर में डकैती की वारदात के बाद से मकामी पुलिस ने मुलव्वस मुलजमान को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से इलाके में वारदातों का तसलसल रुक गया था। अहले इलाका ने DPO अटक से चोरी की वारदात के मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। कराची में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ थानों की हदूद में पुलिस का मुनशियात और स्ट्रीट क्राइम समेत गुटखा माफिया के खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी है। खुफिया इतला पर कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से असलहा चर्स और गुटखा भी बरामद किया गया है। मजीद जानते हैं फौजिया बेग की इस रिपोर्ट में। मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। गुलबर्ग पुलिस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम मोहम्मद अयाज उर्फ अजमल वल्द टके खान को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से एक अदद पिस्टल 30 बोर लोड मैगजीन बरामद कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा इल्जाम नंबर 498/2023 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गयी। शरीफाबाद पुलिस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम शहरोज कुरेशी उर्फ शराबी वल्द मोहम्मद सादिक कुरेशी को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से 120 ग्राम चरस और नगद जर फरोख्त
कारकर्दगी बरामद कर ली। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा इल्जाम नंबर 339/2023 कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। सुपरमार्केट पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम मोहम्मद आकिल वल इकबाल स्टील को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से 25 पैकेट तैयार गुटखा मावा बरामद कर लिया गया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा इल्जाम नंबर 433/2023 गुटखा मावा एक्ट के तहत दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। वहीं दूसरी जानिब गुलबहार पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम उस्मान वल मोहम्मद इलियास को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से 30 पैकेट तैयार गुटखा मावा बरामद कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा इल्जाम नंबर 342/2023 गुटखा मावा एक्ट के तहत दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। न्यू कराची सनती एरिया पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए दो मुलजिमान महरान उर्फ आइसक्रीम वल मोहम्मद हुसैन और नबील हुसैन वल मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जे से भारी मकदार में तैयार गुटखा मावा बरामद कर लिया। पैदल चलने वालों की राह में हायल रुकावटें नाकाबले बर्दाश्त हैं। ताजर बिरादरी गलत पार्किंग और तजावजात की रविश तर्क करके फुटपाथ पर कब्जे से इजतनाब करें। DSP ट्रैफिक कोहाट शौकत हयात ने ट्रैफिक इंचार्ज फहीम बंगिश और एडिशनल इंचार्ज अरब जान के हमराह कोहाट मेन बाजार में गलत पार्किंग और एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। DSP ट्रैफिक शौकत हयात ने कहा कि कोहाट सिटी में गलत पार्किंग और आर्जी तजावजात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राहगीरों ट्रैफिक की रवानी में कोई खलल ना आए। ताजर बरादरी तावन करे, आर्जी तजावजात के खात्मे तक रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन भी जारी रहेगा। अवामी समाजी हलकों और राहगीरों का ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ऐसे इकदाम को सराहा भी गया। कश्मोर और इसके गिर्दो नवाह में एक बार फिर डाकू राज कायम है। नवाही गांव में 20 से ज्यादा मसल अफराद ने जदीद असलहे से देहातों पर फायरिंग कर दी और मोहम्मद यूसुफ से ट्रैक्टर छीन कर फरार भी हो गए। वाकये के बाद पूरे गांव में खौफो हिरास फैल गया है। आपको बताएं कि कश्मोर और इसके गिर्दो नवाह में एक बार फिर डाकू राज। नवाही गांव में 20 से ज्यादा मसल अफराद ने जदीद असलहे से देहातियों पर फायरिंग कर दी, मोहम्मद यूसुफ से ट्रैक्टर छीन कर भी फरार हो गए। वाकये के बाद पूरे गांव में खौफो हिरास फैल गया है। SHO झड्डो मकसूद चन्ना की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। शौकत खोसा को गिरफ्तार करके चर्स भी बरामद कर ली। मुलजिम के खिलाफ मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। सांगढ़ में CIA पुलिस की टंडू आदम में कामयाब कार्रवाई। फहाशी के अड्डे पर छापा, अड्डे की नायका समेत 8 मुलजमान को गिरफ्तार भी किया गया। कार्रवाई इंचार्ज CIA सांगढ़ अकबर अली चन्ना ने की। गिरफ्तार मुलजमान में रुबीना, वकील अहमद, मजहर अली, रशीद, एहसान अली अहमद, आफ्ताब अली और सवेरा भी शामिल हैं। छापे के दौरान 3 मोटरसाइकिलें और 19,000 से जायद की रकम भी बरामद की गई है। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज भी किया गया है। थल की खवातीन की जानिब से हाथ से तैयार किए जाने वाले मलबूसात और दीगर अशिया की अच्छे दामों में फरोख्त के लिए बहबूद एसोसिएशन के तावन से मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगाए गए हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मेहर अंसर की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम। ये बहबूद का आज हमारा मीना बाज़ार चल रहा है। बहबूद मुल्तान एसोसिएशन, बहबूद एसोसिएशन मुल्तान ने ये मीना बाज़ार आज मुनक़द कराया है। बहबूद में हम बहुत सारे काम करते हैं। मुल्तान ब्रांच में ख़ास तौर पे हम अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए बहुत काम करते हैं, जो और उसके अलावा ख़ास तौर पे जो औरतों की एम्पावरमेंट के लिए हम जो काम करते हैं वो कुछ इस तरह है कि जो औरतें घर पर बैठे काम करती हैं उनको वो मुआवजा नहीं मिलता। उन पर उनके पास हुनर है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो घर से नहीं निकल सकती। हम उनके लिए हम उनसे चीज़ें खरीदते हैं, हम आगे बेचते हैं, उनको अच्छा मुआवजा देते हैं। ये वो हुनर हैं हमारे मुल्तान की कढ़ाइयाँ, हमारे इस सारे साउथ पंजाब के एरिया की सारे हुनर हैं जो कि हम जो कि ख़त्म होते जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि औरतें नहीं काम करती या बाहर नहीं निकल सकती। हम चाहते हैं हम उनको एम्पावर करें, वो अपने पाँव पर खड़े हुए घर से कमाएँ। तो हम उनसे चीज़ें लेते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं। माशाल्लाह कच्चा टांका है हमारे, गोटा है, गोटा वर्क है हमारा, तारकशी, इतने हमारे वो शेडो वर्क है, इतने अच्छे अच्छे हमारे हैं जो सब यहाँ के इतने शौक से लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम
उनको अपने पांव पर खड़ा करें, उनको एम्पावर करें और उनकी मदद। ओकाड़ा सिविल कोर्ट की पार्किंग से सीनियर कोर्ट ऑफिसर सैयद नदीम जाफरी की कार चोरी हो गई। नामालूम चोर 35 सेकंड में कार ले उड़े। वारदात की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह चोर कार लेकर फरार हो गए हैं। तरिंडा मोहम्मद पना बस्ती पीरवाह में खवातीन के साथ फ्रॉड करने वाला गिरोह बेनकाब हो गया। खवातीन को इमदाद का झांसा देकर पैसे बटोरने वाले नौसरबाज कानून के शिकंजे में आ गए हैं। मोहम्मद जफर कासिम और तारिक सादालू खवातीन को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इमदाद दिलवाने के झांसे देकर लूट रहे थे। पुलिस ने छापा मारा तो दोनों नौसरबाज भाग गए, जबकि एक मुलजिम गिरफ्तार भी कर लिया गया। नौसरबाजों के खिलाफ थाना तरिंडा मोहम्मद पनाह में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होते ही सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। सैयद मोहम्मद हादी जैदी की सेठ इरफान चौहान की रिहायशगाह पर कॉर्नर मीटिंग भी हुई। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। मजीद जानते हैं आरिफ वाला से नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज रजा जैदी से। मारूफ सियासी लीडर सैयद मोहम्मद हादी जैदी की मोहल्ला शरीफपुरा आमद सेठ इरफान चौहान की रिहायशगाह पर कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद हुआ, जिसमें अहलियान इलाका और सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। साबका कौंसलर साजद अली खादम, साबका कौंसलर साजद अली असलम, राना तैयब, समाजी कारकुन दिलावर हुसैन, मोहम्मद अशरफ रहमानी, हाजी सईद और दीगर दोस्त अहबाब ने मीटिंग में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। आपस में इत्तफाक और इत्तेहाद से चलने का अज़्म किया गया। इलाका के मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई। सेठ इरफान चौहान ने कहा, हमारे लिए वो सियासतदान काबिल एहतराम है जो अवाम के मसाइल हल करे, हम उसके साथ हैं। तमाम शुरका ने सियासी लीडर सैयद मोहम्मद हादी के साथ तावन की यकीन दहानी कराई, इंतखाबात में इनकी सरबराही में साथ चलने का अहद किया। रजा जैदी, कोहिनूर टीवी, आरिफ वाला। ज़रई यूनिवर्सिटी रनाला खुर्द कैंपस के नए तैनात होने वाले वाइस चांसलर से तहसील प्रेस क्लब के चेयरमैन एजाज ताहिर कादरी, सीनियर सहाफ़ी चौधरी मोहम्मद वकास, सीनियर सहाफ़ी चौधरी इमरान खुशी ने मुलाकात की। प्रिंसिपल का कहना था कि ज़रई यूनिवर्सिटी में 2000 से ज़ायद तलबा और तालिबात ज़ेरे तालीम हैं, 18 से ज़ायद ज़रई प्रोग्राम भी चल रहे हैं। प्रिंसिपल की जानिब से बेहतरीन सहाफ़ती खिदमात अंजाम देने पर एजाज ताहिर कादरी, चौधरी इमरान खुशी, मोहम्मद वकास को शील्ड से भी नवाजा गया। पंजाब स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत खानेवाल में इंटर तहसील टेबल टेनिस मुकाबलों का इनाकाद किया गया है, जिसके मेहमान खसूसी अंजुम बशीर शेख थे। खानेवाल जिला की चारों तहसीलों के सैकड़ों खिलाड़ियों ने इसमें शिरकत भी की। मजीद जानते हैं खालिद चौधरी की इस रिपोर्ट में। पंजाब स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर लाहौर टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत खानेवाल में इंटर तहसील टेबल टेनिस मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें खानेवाल जिला की चारों तहसीलों के सैकड़ों खिलाड़ियों ने शिरकत की। तमाम तहसीलों के गर्ल्स और बॉयज़ खिलाड़ियों ने शिरकत की। इस तकरीब के मेहमान खसूसी अंजम बशीर शेख सदर सीनियर वर्किंग जर्नलिस्ट फोरम डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल थे। खानेवाल ने पहली पोजीशन हासिल की, कबीरवाला ने दूसरी, जहानिया ने तीसरी पोजीशन हासिल की। इस मौके पर मेहमानों का कहना था कि आज का हमारा प्रोग्राम एनुअल स्पोर्ट्स कैलेंडर 2023-24 के सिलसिले में था, जो कि हुकूमत पंजाब स्पोर्ट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है। ये सालाना प्रोग्राम हमारा चल रहा है। आज के हमारे कंपटीशन अंडर 16 बॉयज़ गर्ल्स टेबल टेनिस के मुकाबले थे, जिनमें खानेवाल के बच्चों ने चारों तहसीलों से शिरकत की और बहुत अच्छा टैलेंट सामने आया। अब इनमें से हमारी जो अच्छे बच्चे हैं वो खानेवाल की डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी करेंगे और मुल्तान डिवीजन में शरीक होंगे, और इसके बाद जो भी विनर टीम होगी वो लाहौर में जाके फाइनल मरले में शरीक होगी। मेहमान खसूसी अंजम बशीर शेख ने खिलाड़ियों की बेहतरीन कारकर्दगी पर इनको शाबाश दी और इनके कोचेज और उस्तादजा को भी खराज तहसीन पेश किया। बाद अजा अंजम बशीर शेख सीनियर साफी कुलजम बशीर शेख ने कामयाब खिलाड़ियों में ट्रॉफियां, शील्ड्स और स्पोर्ट्स किट्स तकसीम की। कैमरामैन अब्दुल्ला मुल्तजिम के साथ खालिद चौधरी, कोहिनूर न्यूज़।
मुजफ्फरगढ़ में कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैक डाउन का अमल शुरू कर दिया गया है। एक रोज में 69 कम उम्र ड्राइवरों के चलान हुए। कम उम्र ड्राइवर्स की 37 गाड़ियों को थानों में भी बंद कर दिया गया है। बगैर लाइसेंस 2 मुकदमा भी दर्ज किए गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त क्रैक डाउन भी जारी रहेगा। हरूनाबाद में बल्दिया कमेटी की जानिब से नए रेट्स पर कराजात की तजदीद ना करवाने पर लकड़ मंडी चमन बाजार की दुकानें सील कर दी गई। कराजात में होशरबा और जालिमाना इजाफे पर ताजरों का एहतजाज भी हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया ने सदर लकड़ी मंडी हाजी लियाकत अली पर मुकदमे का इंदराज करवाकर गिरफ्तार करवा दिया है, जिसके खिलाफ लकड़ मंडी के ताजरों ने म्यूनिसिपल कमेटी के सामने एहतजाज किया। मुजाहरीन की तरफ से असिस्टेंट कमिश्नर हरूनाबाद के आमराना रवैये के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मुतालबा किया गया कि दुकानों के किरायाजात में होशरुबा इजाफा वापस लिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर SHO थाना नारंग मंडी राणा सजाद अकबर ने अपनी टीम के हमरा मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाकर कम उम्र ड्राइविंग में मुलव्वस दर्जनों मोटरसाइकिलें कब्जे में ले ली हैं। SHO थाना नारंग इंस्पेक्टर राणा सजाद अकबर का कहना था कि कम उम्र बच्चों को गाड़ी मोटरसाइकिल देने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बगैर लाइसेंस गाड़ी मोटरसाइकिल वालों पर भी मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे हैं। चनियोट भर में स्नैप चेकिंग के दौरान मशकूक गाड़ियों और अफराद की चेकिंग हुई है। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों से नजायज असलाह और मुनशियात बरामद होने पर 8 मुलजमान को गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 7 किलो से ज्यादा चर्स शराब और पिस्तौल भी बरामद हुई है। गिरफ्तार मुलजमान में वाजिद, जाहिद, मुदस्सर, मजहर, वकास, वकार, हमाद और अरशद के नाम शामिल हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश भी शुरू कर दी है। आपको बताएं कि दुनिया क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग जारी है। भारत ने पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 241 रन का हदफ दे दिया। ऑस्ट्रेलवी पेसर्स के सामने रोहित शबम सरयास रोहित की दीवार साबित हुई है। कप्तान रोहित शर्मा ने जारहाना बैटिंग करते हुए 3 छक्के और 4 चौके भी जड़े, ताहम वो भी ज्यादा देर तक पिच पर खड़े ना हो सके। भारतीय कप्तान 41 गेंदों पर 47 रन बनाकर आउट हो गए हैं। सरयास एयर क्रेज पर आए तो वो भी मुतासर कुन इनिंग्स ना खेल सके। 3 गेंदों पर 4 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद विराट कोहली भी 54 रन की इनिंग्स खेलकर विकेट गवा बैठे हैं। आपको बताएं कि दुनियाए क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग जारी है। भारत ने पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 241 रन का हदफ दे दिया। ऑस्ट्रेलवी पेसर्स के सामने आपको बताएं कि दुनियाए क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग जारी है। भारत ने पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 241 रन का हदफ दे दिया। ऑस्ट्रेलवी पेसर्स के सामने रोहित शबम सरयास रोहित की दीवार रेत की दीवार साबित हुए हैं। दुनियाए क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग जारी है। भारत ने पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 241 रन का हदफ दे दिया। ऑस्ट्रेलवी पेसर्स के सामने सब रेत की दीवार साबित हो गए। बुलेटिन में खबरें और भी शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। आगे बढ़े आपको बताएं कि साबिक वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने कहा है आम इंतखाबात का इनेकाद होगा।
पाकिस्तान को इस वक्त मुस्तहकम हुकूमत की जरूरत है जो मुल्क की मौशियत बेहतर कर सके। हमारे कायद मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का रिकॉर्ड पूरी कौम के सामने है। उम्मीद है 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। साबिक वजीर की डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर शकरगढ़ चौधरी अल्लाह रखा राशिद की वालिदा की वफात पर इजहार ताजियत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। इस मौके पर साबिक MPA राना भी उनके हमराह मौजूद थे। मुल्तान में हाईवे पेट्रोलिंग का शहरियों की सहूलत के लिए एहसन इकदाम। चेक पोस्ट बुआपुर पर पुलिस खिदमत सेंटर का आगाज कर दिया। रीजनल ऑफिसर हुमा नसीब, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मुल्तान राना जहीर बाबर, पोस्ट इंचार्ज सब इंस्पेक्टर उस्मान अहमद और दीगर अफसरान ने इफ्तिताह किया। इस हवाले से जानते हैं राना असलम की इस रिपोर्ट में। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस मुल्तान रीजन शहरियों की सहूलियत के लिए ऐसे इकदाम। चेक पोस्ट बुआपुर खिदमत सेंटर का आगाज कर दिया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर हुमा नसीब, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मुल्तान राना जहीर बाबर, पोस्ट इंचार्ज सब इंस्पेक्टर उस्मान और दीगर अफसरान ने इफ्तिताह किया। गुज़िश्ता रोज पेट्रोलिंग चेक पोस्ट बुआपुर पर एडिशनल IG पंजाब राव अब्दुल करीम और DIG डॉक्टर अजहर वहीद पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की हदायत पर बुआपुर पुलिस खिदमत सेंटर का बाकायदा आगाज कर दिया गया है, जिसमें रीजनल पुलिस ऑफिसर हुमा नसीब ने कोहिनूर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हुए बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हमारी ये बुआपुर पोस्ट मुल्तान की, उसमें हमने खिदमत सेंटर का इसमें आगाज किया है। और मुल्तान खिदमत सेंटर का जो हमने ये पोस्ट पे आगाज किया, इसके साथ ही हमारी मुल्तान रीजन की 58 पोस्ट पे खिदमत सेंटर जो स्टार्ट हो चुके हुए हैं। और इसके अलावा हर अजला में एक एक पेट्रोलिंग पोस्ट पे ड्राइविंग स्कूल का इजरा, लाइसेंस सेंटर, लर्नर सेंटर और बाकी ड्राइविंग स्कूल वगैरह सारा जो है वो भी स्टार्ट कर दिया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की का अच्छा खासा फीडबैक आ रहा है और इंशाल्लाह मजीद भी जो हम लोग जो है बाकी अजला की तरह ट्रैफिक पुलिस की तरह इंशाल्लाह हम भी अवामी और समाजी हलकों ने पेट्रोलिंग पुलिस की खिदमत सेंटर सहूलत को खुश आइन करार देते हुए कहा कि इससे सिर्फ लोगों का वक्त बचेगा बल्कि सफरी तकलीफात का सामना भी नहीं होगा। मजीद इस मौका पर शहरी मलिक सजाद पप्पी ने कहा कि PHP पुलिस की तरफ से बुआपुर पेट्रोलिंग पोस्ट पर पुलिस खिदमत सेंटर का आगाज ऐसे इकदाम है, मुझे अपने मुकदमे की कॉपी 1 मिनट से पहले बाइज़्ज़त तरीके से मिल गई, जिससे मैं पेट्रोलिंग पुलिस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद असलम, कोहिनूर न्यूज, मुल्तान। बिलावल भुट्टो जियाला फोर्स के मरकजी जनरल सेक्रेटरी शबीर खान टिक्का की दरबार लाल शहबाज कलंदर पर हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई, पीपल्स पार्टी की कामयाबी के लिए खसूसी दुआ भी की गई। सूबाई सदर यार मोहम्मद मिगनेजो, जनरल सेक्रेटरी राना शौकत अली, मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी फकीर जाकिर हुसैन, डॉक्टर RK सुमरो, नवाज मंजूर अली सोलंगी, फिदा हुसैन सोलंगी और खादिम हुसैन सोलंगी ने भी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं 7 शरीफ से मोहम्मद अमीन की खसूसी रिपोर्ट में। जी आपको बताते चले कि बिलावल भुट्टो जियाला फोर्स के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मोहतरम जनाब शबीर खान टिक्का साहब अपने सूबाई अहदेदारों के साथ दरगाह सकीला शहबाज कलंदर पर चादर चढ़ाई और पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो साहब और अपने पार्टी के लिए दुआएं मांगी। सूबाई सदर सरदार यार मोहम्मद मंगेजो साहब, जनरल सेक्रेटरी राणा शौकत अली, मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी फकीर जाकिर हुसैन रिंद, मरकजी लेडीज विंग सदर डॉक्टर RK सुमरो, जनरल सेक्रेटरी शमीम रहमान और नायब सदर सिंध जवार मंजूर सोलंकी, फिदा हुसैन सोलंकी और कारकुन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जी हम तंजीमी लेवल पे आए हैं, हम लाहौर से आए हैं और तंजीम के लिए बिलावल भुट्टो जियाला फोर्स के लिए, और ये बिलावल भुट्टो जियाला फोर्स पाकिस्तान पीपल पार्टी का एक विंग है जिस तरह दूसरे विंग है, और हमने सखर से शुरू किया और सखर में तंजीम सादी भी और हमारे सूबे के जनरल सेक्रेटरी भी साथ हैं। अदा जो बिलावल भुट्टो जियाला फोर्स तंजीम सादी के हिसाब से बहुत आगे चल चुकी है। ये हमारा जो बिलावल भुट्टो जियाला फोर्स का नेटवर्क है चारों सूबे में फैल गया है। और जब हमारे ये राना साहब यहाँ सिंध की विजिट पे आए तंजीम साजी के लिए, उन्होंने इरादा किया कि हमारे वफा की जनरल सेक्रेटरी वो इधर जैसे ही सिंध आए तो हमने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। और जैसे कि आज हमारे मरकजी
جنرل سیکرٹری محترم مولانا شبیر ٹکا صاحب جو ہے بلال بھٹو جیالا فورس کے آج سیون شہر میں آئے، ہمارے سندھ کے صدر سدا یار محمد منگن چو صاحب وہ بھی آئے، اور سندھ کے جو جنرل سیکرٹری ہیں رانا کاشف صاحب وہ بھی آئے، سندھ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں فقیر ذاکر حسین صاحب وہ بھی آئے ہیں، اور بھائی ڈویژن سکھر کے صدر ہیں سیتو صاحب، باقی جو یہ ہمارے دوست ہیں وہ آج سیون میں آئے. اور عدالتی احکامات پر تھانہ کوٹ نجیب اللہ ہری پور پولیس نے گزشتہ 3 سال کے دوران برآمد ہونے والی منشیات تلف کر دی ہے. مجموعی طور پر 65 کلو چرس، 10 کلو ہیروئن، آئس اور 1000 لیٹر شراب بھی تلف کی گئی. عدالتی احکامات پر جوڈیشیل مجسٹریٹ عالم زیب خان نے اپنی نگرانی میں منشیات کو تلف کیا. خانوال میں سردی آتے ہی ڈرائی فروٹ کی مانگ بھی بڑھ گئی ہے. شہریوں کا کہنا تھا کہ خشک میوہ جات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، لیکن کھائے بغیر گزارا بھی نہیں. مزید جانتے ہیں چودھری کیسر کی اس رپورٹ میں. خانوال کے شہریوں نے سردی کے آغاز پر ہی ڈرائی فروٹس کی دکانوں کا رخ کر لیا. کہتے ہیں کہ خشک میوہ جات کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، مگر کھانا بھی بہت ضروری ہے. سردیاں شروع ہوئی ہیں، ویسے ہم بچوں کے لیے ڈرائی فروٹ خریدنے کے لیے آئے ہیں. جیسے شاپ پہ پہنچتے ہیں، ریٹ پوچھتے ہیں تو بادام، اخروٹ، پستہ، یہ سارے ہمارے پہنچ سے دور ہو گیا ہے. اب تو صرف ہم چنے اور مونگ پھلی تک ہی رہ گئے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سردی سٹارٹ ہو چکی ہے اور آج موسم کافی چینج ہے، جس کی وجہ سے میں گھر سے آیا ہوں تو دیکھا بچوں نے کہا تھا آتے وقت ڈرائی فروٹ وغیرہ لے آئے، تو میں ڈرائی فروٹ کی شاپ پہ آیا ہوں تو ادھر ریٹس بہت زیادہ ہیں ہر چیز کے. اخروٹ کی ریٹ بھی بہت زیادہ ہیں، کاجو، میوا، پستہ، ہر چیز کی ریٹ بہت زیادہ ہیں. تو میں صرف یہاں پہ مونگفلی اور ریوڑیاں اور چنے لے کے جا رہا ہوں. پچھلے سال بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے جا سکتے تھے، ابھی میں آیا ہوں تو گنجائش نہیں بڑھ رہی کہ کچھ لیا جا سکے. ابھی بس دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کے جانے کی کوشش ہی کر رہے ہیں. چلگوزا 8000، بادام 2600، کانجو 3000 اور انجیر 2000 روپے فی کلو ہے. دکانداروں کا کہنا تھا کہ سستی ڈرائی فروٹ تو مونگفلی، چنے، گڑ اور کھجور ہی ہیں. کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کو کم سے کم ریٹ لگائیں، ہماری یہی کوشش ہوتی ہے. اور جو بھی کسٹمر آتا ہے وہ صرف ریٹ پوچھ کے چلے جاتے ہیں، یا تو وہ کھجور کی خریداری کرتے ہیں یا تو وہ چنے کے اور بادام وغیرہ کے ریٹ ہی پوچھ سکتے ہیں، خریداری نہیں کر سکتے. شہریوں کا کہنا تھا کہ ڈرائی فروٹ مہنگا ہو تو کیا ہوا، سردی کی سوغات ہے، ضرور کھائیں گے. کیمرامین ٹیم کے ہمراہ کیسر چودھری، کوہنور نیوز، خانیوال. سانگڑ کے قریب واقع ہائی ٹیک پاور پلانٹ نے علاقے کی عوام زندگی متاثر کر دی ہے. آلودگی پھیلنے سے عوام میں جلدی بیماریوں کے ساتھ ساتھ سانس کی بیماریوں نے بھی جنم لینا شروع کر دیا. مزید جانتے ہیں عاطف علی کی اس رپورٹ میں. سانگڑ شہر کے قریب واقع ہائی ٹیک پاور پلانٹ سے نکلنے والی آلودگی کے لیے کسی بھی طرح کے اقدامات نہیں کیے گئے. پیپلز پارٹی کے با اثر رہنما پاور پلانٹ کے خلاف سرکاری کسی بھی طرح کی کارروائی کرنے سے اپنے ٹرانسفر ہو جانے کے خوف کے باعث ادارے کے خلاف کارروائی کرنے سے گریز کرتے ہیں. علاقے عوام کا کہنا ہے کہ جو بھی ادارہ کے خلاف بات کرتا ہے اس کو فوری طور پر گاؤں سے نکال دیا جاتا ہے. ہمارے بچے سانس اور پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں. سانس لینے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جلد کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں. آلودگی کی روک دام کے ادارے بنا دیے گئے ہیں، مگر صرف تاندلیا والا کے علاقے چک نمبر 619 میں ڈاکوؤں نے گھر میں گھس کر لوٹ مار کی. مزاحمت کرنے پر ڈاکوؤں نے وسیم عطا جویا کو گولی مار کر زخمی کر دیا. متاثرہ شخص نے جوان مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ڈاکو کو دبوچ لیا. ساتھی ڈاکو موقع سے فرار ہو گئے. تھانہ گڑھ پولیس اطلاع پر جائے واردات پر پہنچی. اہل خانہ نے ڈاکو کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے. زخمی وسیم عطا جویا کو طبی امداد کے لیے مقامی ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا. تھانہ مامو کانچن کے علاقے میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات ہوئی. واردات کے دوران 4 مسلح ڈاکو نے پنسار کی دکان پر لوٹ مار کی ہے. مزاحمت کرنے پر ڈاکوؤں نے دکاندار باپ بیٹے کو فائرنگ سے زخمی بھی کر دیا ہے. دعوت اسلامی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں کا ٹانگ کا دورہ.
मैसूद प्रेस क्लब में डिस्ट्रिक्ट टांग और जनूबी वजीरस्तान के सहाफियों के साथ मीटिंग। मजीद जानते हैं टांग से आदम खान कुंडी की इस रिपोर्ट में। दावत इस्लामी का शोभा मीडिया डिपार्टमेंट ने मैसूद प्रेस क्लब टांग का दौरा किया। टांग के तमाम प्रेस क्लबों के साथियों ने इस तकरीब में शिरकत की। मोहम्मद उस्मान अतारी मदनी चैनल के निगरान तकरीब के चीफ गेस्ट थे। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जो है मैसूद प्रेस क्लब में का विज़िट करूं, और माशाल्लाह विज़िट करने के साथ साथ मुझे वाना प्रेस क्लब और दामान प्रेस क्लब, पहाड़पुर प्रेस क्लब और बिलखसूस टांग के लोग सहाफ़ी भी मुझे आज यहाँ मिले हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई और मकसद वक्त यही था कि मिल के बैठ के बातचीत करना, और जो दावत इस्लामी का फलाही शोबा है FGRF फैजान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन दुनिया भर में और पाकिस्तान में इंसानियत की खिदमत जो कर रहा है वो किस अंदाज से कर रहा है, तो अपने सहाफ़ी भाइयों को इस चीज़ से भी आगाह करना मेरा एक मकसद था। दावत इस्लामी के मीडिया डिपार्टमेंट के निगरान उस्मान अतारी, शुएब अतारी और सूबाई निगरान मोहतर अली ने टांग मीडिया का शुक्र। ननकाना साहब हमदर्द कुतुबखाना के ज़ेरे एहतमाम स्कूल सरबराहान और उसातिज़ा के लिए तरबियती नशस्त का इनेकाद किया गया, जिसमें बेचगी और बड़ा घर समेत गिरदोनवाह से सरकारी और निजी तालीमी इदारों के सरबराहान और उसातिज़ा ने शिरकत भी की। हमदर्द कुतुबखाना के CEO फरहान अली गौहर ने शुरका को 2024 में नाफिज होने वाले नए तालीमी निसाब बेहतर नतायज के हसूल के लिए जदीद तरीका तदरीस के बारे तफसीली लेक्चर भी दिया है। उन्होंने उसातिज़ा पर जोर दिया कि वह बच्चों को मेयारी तालीम की फराहमी के साथ साथ उनकी अखलाकी तरबियत का भी खास ख्याल रखें। तकरीब से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पेचकी के सदर रियासत अली बेग, जनरल सेक्रेटरी राशिद महमूद और मियां कामरान समेत दीगर मुकर्ररीन ने खिताब भी किया है। हुकूमत पंजाब के एहकामात पर कोंगो वायरस के फैलाव को रोकने के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। लाइव स्टॉक की टीमें इस मकसद के लिए पूरी तरह मुतहरक हैं। डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक वजीराबाद मोहम्मद अहमद की इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुबह बलूचिस्तान में कोंगो बुखार के मरीजों में इजाफे के पेश नज़र सेक्रेटरी लाइव स्टॉक पंजाब ने सुबह भर में कबल अज वक्त इकदाम के अहकाम दिए हैं। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक की हिदायत के मुताबिक सुबह पंजाब के तमाम दाखिली रास्तों पर चेक पोस्ट भी कायम कर दी गई हैं। गुजरात और वजीराबाद के अजला में चनाब टूल प्लाजा से जानवरों की मॉनिटरिंग और इन्हें चिचड़ों से पाक करने के लिए महकमा लाइफ स्टॉक की टीमें 24 घंटे कैंप में मौजूद भी रहेंगी। कोंगो वायरस जो है ना, ये चिचड़ियों का इसको हम बुखार बोलते हैं। बेसिकली ये एक वायरस है और ये प्रीवेल करता है चिचड़ियों में। स्पेशल किस्म की चिचड़ियाँ हैं जो जानवरों में पाई जाती हैं। जानवरों को ये बाइट करती हैं, वायरस को कैरी करती हैं, और अगर ये चिचड़ियाँ इंसान को काट दें तो ये वायरस इंसान में ट्रांसमिट हो जाता है। इंसान में ट्रांसमिट होके ये इंसान में बीमारी का बास बनता है, स्पेशली बुखार का बास बनता है, जो कि लाइलाज है, और इसमें अमवात होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। रिसेंटली आप लोग जानते हैं कि ये मीडिया पे भी चलता रहा कि बलूचिस्तान में लकी मरवत के इलाके तिजोरी में मरवत बेटनी तहरीक की जानिब से नहर मरवत की बहाली पर जश्न का एहतमाम किया गया। जश्न में मरवत और बेटनी कौम के मशरान और अवाम ने शिरकत भी की। मरवत बेटनी कौमी तहरीक के चेयरमैन इनामुल्ला खान, सलीम खान और हिदायतुल्ला खान फरहानुल्ला वलीउल्ला का कहना था, जब तक मरवत बेटनी कौमों का इतिहाद होगा, मरवत कैनाल की तरह तमाम दरीना मसाइल भी हल होंगे। चन्योट में कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवरों के खिलाफ स्पेशल मुहिम के तहत कार्रवाइयां जारी हैं। ट्रैफिक पुलिस ने 300 से ज्यादा ड्राइवरों को 1,00,000 से ज्यादा रकम के चलान भी किए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 4 मुकदमा दर्ज और 100 से ज्यादा गाड़ियां बंद कर दी गई हैं। DPO अब्दुल्ला अहमद का कहना था कि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म है। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करते हुए ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल को यकीनी बनाएंगे। वालिदैन कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग की हरगिज इजाजत ना दें। नारोवाल किरतारपुर की अमन राहदारी बिछड़ों को मिलाने का सबब बनने लगी। 67 साल से बिछड़े एक और खानदान की मुलाकात करवा दी गई। अब्दुल इस्लाम और सूबा सिंह की मुलाकात के वक्त इंतहाई जज्बाती मनाजिर देखने को भी मिले। किरतारपुर कॉरिडोर में 1997 से बिछड़ा एक और खानदान मिलने में कामयाब हो गया है।
पाकिस्तान बनने के वक्त 67 साल से जुदा खानदान की तीसरी नस्ल की राहदारी में मुलाकात हो गई। खानदान की खातून शहनाज का कहना था कि हमारे दादा की जिंदगी में खानदान का मिलाप ना हो सका, लेकिन अब दुहाइयों बाद उनके पोते पोतियां नवासों नवासियों का मिलाप मुमकिन हुआ है। मुलाकात के मौके पर पाकिस्तानी खानदान ने भारत से आए खानदान को फूलों की मालाएं भी पहनाई। पकाड़ा में नवाही गांव शाहपुर के करीब मुबैना मुर्दा मुर्गियों की गाड़ी शहरियों ने पकड़ ली। वसीम और साजिद मुर्दा मुर्गियां बसीरपुर से अलाहाबाद लेकर जा रहे थे। मकामी अफराद ने शक गुजरने पर गाड़ी का पीछा किया। शाहपुर के करीब गाड़ी रोक ली। मकामी अफराद ने गाड़ी के शीशे तोड़कर मुर्दा मुर्गियों को बोरियों से भी निकाल लिया। पिंडी भटिया में अलबसीर अस्पताल में 3 रोजा आई कैंप का इनाकाद किया गया है। आंखों के मरीजों के लिए फ्री चेकअप, अद्वियात के साथ साथ खाना भी फ्री एहतमाम किया गया। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ नून का कहना था, ये सब हम अल्लाह ताला की रजा के लिए कर रहे हैं। इलाके के गरीब अवाम इस सहूलत से ज्यादा फायदा उठाएं। ऐसे मरीज जो चलकर यहाँ नहीं आ सकते, हमने उनके लिए फ्री एम्बुलेंस का भी एहतमाम किया हुआ है। 3 दिनों में 150 अफराद का जदीद मशीनरी से ऑपरेशन भी किया गया। आपको बताएं कि सर्दियां आते ही पाकिस्तानी शहरी खालिस और ताजा गुड़ की तलाश शुरू कर देते हैं। गुजरात की तहसील सराय आलमगीर में गन्ने के रस को निचोड़कर बड़े कराह में गुड़ की तैयारी का अमल सबके सामने किया जाता है। दूर दराज से खरीदारी के लिए लोग आते हैं और तोहफे के तौर पर पेश भी करते हैं। इसी पर मजीद जानते हैं अरशद हुसैन काजी की इस रिपोर्ट में। साय आलमगीर के नवाही इलाके भागनगर में ताजा गुड़ की तैयारी गन्ने के रस को निचोड़कर बड़े कड़ाह में काफी देर तक हल्की आंच पर पकाया जाता है, जिसे बाहर निकालते ही धूप में रखकर खुश किया जाता है और तैयारी का अमल मुकम्मल हो जाता है। गुड़ तवानाई हासिल करने का अच्छा जरिया है और गुड़ में विटामिन, मिनरल्स, एंटी ऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। दुकानदार ने बताया है कि गुड़ की मांग में इतना इजाफा होता है कि पहले ही बुकिंग करवानी पड़ती है। 3 साल हो गए जी गुड़ तैयार कर रहे हैं, ऐसी रोड पे गुड़ तैयार कर रहे हैं, बड़ा अच्छा गुड़ है जी, भागनगर बनाने हैं सामने रोड पे। शहरी दूर दराज से खरीदारी करने और अपने दोस्त अहबाब और फैमिली को तोहफे के तौर पर भी पेश करते हैं। मैं जन्म थी आया तो इतने इन्हों का गुड़ बड़ा मशहूर है, तो इस तरह अपने वास्ते भी लैके जाइएगा, तो बाकी बंद यार दोस्तों रिश्तेदारों तो जाइए। जेलम से आए हैं काला गुजरा से, तो पिछले साल भी आए हैं, तकरीबन हर साल ही आते हैं, तो अच्छी चीज़ है, खालस गुड़ है, तो दोस्तों को भी जो मतलब गिफ्ट देंगे हम। सर्दी करीब आते ही गुड़ की मांग बढ़ जाती है, शहरी गुड़ के इस्तेमाल में भी इजाफा कर देते हैं। चीनी की बजाय गुड़ का इस्तेमाल किया जाए तो काफी बीमारियों से बचाव मुमकिन हो सकता। कुंदिया के करीब रेलवे फाटक पर कार ट्रेन की जद में आ गई। हादसे में एक शख्स जान बहक भी हो गया। मुल्तान से रावलपिंडी जाने वाली थल एक्सप्रेस और कार के दरमियान हादसा रेलवे कब्रिस्तान के करीब पेश आया। रेलगाड़ी ने कार को बुरी तरह कुचल डाला। ठेकेदार अब्दुल करीम मौके पर ही दम तोड़ गया। कुंदिया के करीब रेलवे फाटक कार की ट्रेन जद में आ गई। हादसे में एक शख्स जानबहक हो गया। मुल्तान से रावलपिंडी जाने वाली थल एक्सप्रेस और कार के दरमियान हादसा रेलवे कब्रिस्तान के करीब पेश आया। रेलगाड़ी ने कार को बुरी तरह कुचल डाला। ठेकेदार अब्दुल करीम मौके पर ही दम तोड़ गए। स्मोक के तदारक के लिए दफा 144 के नाफिज फसलों की बाकियात को आग लगाने पर 3 अफराद को कमिश्नर स्क्वाड ने धर भी लिया है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का फौरी नोटिस। मोटरवे स्क्वाड और जिले इंतजामिया शेखुपुरा ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मुलजमान को हवालात में बंद करवा दिया। आग को बुझा भी दिया गया। इसी पर मजीद जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज मलिक अयान से। जी अयान बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर की जानिब से जो है कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो है दफा 144 जो नाफिज कर दी गई थी, कमिश्नर लाहौर ने जो इस हवाले से नोटिस लिया था लाहौर में स्मोक के बढ़ते हुए रुझान के हवाले से, जब जो उन्होंने देखा कि सिर्फ जो है गाड़ियों को कंट्रोल करना, फैक्ट्रियों को कंट्रोल करने के साथ जो स्मोक खत्म नहीं, उनकी जानिब से फैसला किया गया कि फसलों की बाकियात को जलाने पर भी स्मोक के हवाले से जो दफा 144 है वो इन पर नाफज होगी। जिसके बाद आज गुज़श्ता रोज जो है एक इत्तला मिली कमिश्नर की जानिब से जो स्मोक के हवाले से स्पेशल एक हेल्पलाइन बनाएगी, वहां पे इत्तला मिली रात 12 से 1 बजे के दरमियान में कि फसलों की बाकियात जो जल रही है। उस कंप्लेंट के ऊपर कमिश्नर लाहौर जो है खुद मुतारक हुए और कमिश्नर लाहौर की जानिब से एडिशनल कमिश्नर को फौरी अहकाम जारी किए गए, जिसके बाद लाहौर की स्पेशल स्कॉट टीम और शेखपुरा की स्पेशल स्कॉट टीम की जानिब से जो है मुश्तरका 1.5 घंटे के अंदर अंदर तमाम तर मामले को कंट्रोल करके वहां पर आग को भी बुझा दिया गया, जबकि 3 मुल्जमान हैं जिनको वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। फसलों की बाकियात जलाने के आदि अफराद ठेकेदारों के सख्त क्रैकडाउन की हदायत लाहौर समेत जो लाहौर डिवीजन के दूसरे अजला है उनमें भी जारी है, और कमिश्नर लाहौर इस हवाले से अब खुद जो है मुतारक दिखाई देते हैं। फैक्ट्रियों को भी सील किया जा रहा है जो स्मोक का सबब बन रही हैं, गाड़ियां जो धुआं छोड़ने वाली हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं, और फसलों की बाकियात जलाने के हवाले से भी कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। बहुत शुक्रिया मलिक अयान, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि स्मोक के तदारुक के लिए दफा 144 का नाफिज, फसलों की बाकियात को आग लगाने पर 3 अफराद को कमिश्नर स्क्वाड ने धर भी लिया है। इसी पर हमारे नुमाइंदे कोहिनूर न्यूज मलिक अयान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही, मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज को।